हेलो फ्रेंड्स, सी पाई में आपका स्वागत है। आज एक रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। रिएक्शन है कि एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, और किसके साथ करना है वो, जिसे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। ठीक है, जिसे मान लीजिए एल्डिहाइड क्या होता है आपको पता है, सी डबल बॉन्ड ओ होता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपका एल्डिहाइड हो गया, और सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे ये क्या हो गया, ये कीटोन हो गया। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इनके साथ अगर अमोनिया और इसके डेरिवेटिव जो होंगे उनकी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा। तो पहला है, मान लो मैं एल्डिहाइड के साथ करता हूँ, तो इसके शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको कि डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है। मान लीजिए ये आपको कोई एल्डिहाइड दे रखा है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच आपको ये दे रखा है, और आपको बोला गया कि NH3 लिखिए और इसके आगे क्या बनेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली कैसे आंसर लिखना है उसको समझें। देखिए, ये बेसिकली आपका क्या बनेगा, इसको बनाने का तरीका यह है कि आप R लिख लीजिए, C डबल बॉन्ड O लिखो, यहाँ पे H लिख दीजिए, प्लस क्या कर दो, जो ये NH3 लिखा हुआ ना, इसको ऐसे कुछ लिख लो, NH लिखो यहाँ पे, और H2 पहले लिख दो, ये वाले H2 हो गए। आगे रिएक्शन करो, आपको क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड है और ये H2 है, ऐसे निकाल देना है, क्या हो जाएगा बताओ, -H2O हो जाएगा। आगे जुड़ेगा क्या, सेम टू सेम R, यहाँ पे C है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया आपका, है ना, डबल बॉन्ड क्या आ गया बताओ, N, और क्या आ गया, H, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए आपको दे दिया एक कोई डेरिवेटिव दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया NH2, मतलब हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन करते हैं, एक मिनट, ये है आपके पास R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R लिख दीजिए आप, हाइड्रोक्सिल अमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2OH, है ना, तो NH2OH को आप ऐसे लिख दो, H2NOH, ऐसे लिख दोगे, फिर क्या होगा, फिर से आप ये डबल बॉन्ड और यहाँ के दो हाइड्रोजन ये मिला के क्या बन जाएगा, -H2O कर दो, आगे उसको डबल बॉन्ड से ऐड कर दो, कहने का मतलब R C डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी एक और R है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NOH, दिस विल द फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। कुछ ऐसे ही एक और कर लेते हैं, मान लीजिए आपको दे रखा है फिनाइल हाइड्राजिन दे रखा है, मान लीजिए आपको दे दिया R C डबल बॉन्ड O H है, ये आपको दे रखा है, प्लस फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है कि NH2NH और फिनाइल, यानी कि H2N डैश NH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, फिनाइल। ठीक है, फिर से वही करना है आपको, ये डबल बॉन्ड से कट करके यहाँ से ऐसे ये वाला बना देना है, -H2O हो गया, और बाकी का आप सेम लिख लो, यहाँ पे R है, C यहाँ पे भी क्या है आपके पास, R है ना, डबल बॉन्ड कर लो, यहाँ पे क्या बचा, N NH, और क्या हो गया बताओ, आपका PH हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत इजी इजी तरीका है एक हिसाब से। जैसे हाँ, वो इसी से एक नेम रिएक्शन भी आएगी, वुल्फ किस्नर करके, नेम रिएक्शन का नाम है वुल्फ वुल्फ किस्नर वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, ये रिडक्शन रिएक्शन है आपकी एल्डिहाइड और कीटोन की है ना, इसमें बनाते क्या है उसको समझे, बहुत इजी है। मान लो पहले स्टेप में क्या होता है इसमें, कि R C डबल बॉन्ड O यहाँ पे क्या दे दिया, मान लीजिए R डैश दे दिया, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको किसके साथ बताओ, आपको आपको करवाना है हाइड्रोजन के साथ करवानी है, हाइड्रोजन मतलब H2N लिख दो, है ना, डैश NH2, यानी कि NH2 NH2 होती है हाइड्रोजन की रिएक्शन, फिर ये क्या देगा बताओ, आपको दे देगा यहाँ से ये डबल बॉन्ड कर देना है आपको ऐसे कुछ करके, ये डबल बॉन्ड, ये -H2O हो जाएगा, -H2O कर दीजिए, बनेगा क्या, R C डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या है आपके पास, R है ना, उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन, और क्या हो जाएगा, NH2। फिर से इसकी ये बन गया आपका एक डेरिवेटिव बनी है, जो कि आपने एडिशन अभी नाइट्रोजन के डेरिवेटिव को कीटोन के साथ करवाया। फिर लास्ट में क्या करना होता है, मान लो
आपको करना होता है KOH और हीट के प्रेजेंस में। ऐसे में ना इसका इससे एक गैस निकलती है, N2 गैस निकलेगी, और बाकी क्या हो जाएगा उसको ध्यान दो। अगर नहीं आता है आपको बनाना तो आप एक काम करो, इस वाले बॉन्ड को ऐसे ऐसे ब्रेक कर दो, इस वाले डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, इधर की तरफ दो बॉन्ड ब्रेक, मतलब टोटली दो बॉन्ड ब्रेक हुए ना, कार्बन की तरफ एक बॉन्ड के आगे हाइड्रोजन, दूसरे बॉन्ड के ऊपर भी हाइड्रोजन लगा दो। कैसे? ये आर है, सी यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दो, ये क्या हो गया आपके पास आर डैश, ठीक है ना, जो कि ये वाला था, ये आपका बन गया। इसको अगर कलेक्टिवली लिखना चाहो तो आर सी एच टू क्या हो जाएगा बताओ, आर। ये है आपका वुल्फ किशनर रिडक्शन, ठीक है। कब है वुल्फ किशनर रिडक्शन? पहले आपने क्या कर रखा है बताओ, पहले अमोनिया का डेरिवेटिव को ऐड किया हुआ है, उसके बाद उसका बेसिक क्या किया है बताओ, बेसिक किसी बेस के प्रेजेंस में इसको क्या करा है, रिएक्ट करवाया है, ठीक है ना। तो ये है आपका टोटल दो रिएक्शनें हो गई आपकी, एक एडिशन कैसे होगा और एडिशन होने के बाद वुल्फ किशनर रिडक्शन में उसको कैसे चेंज करना है, ये आपका वुल्फ किशनर रिडक्शन होगा। इसमें कैसे चेंज करना है, पहले आपको ये ऐड करना है -H2O करके, लास्ट में आपको मतलब बेसिक मीडियम के साथ KOH या NaOH के साथ रिएक्शन करवा देनी है और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। इतना ही, तो थैंक यू।